बड़ी खबर है इस वक्त की, रामगोपाल यादव का निष्कासन रद्द कर दिया गया। इसके पहले जिस तरह से सपा के अंदर में उठापटक चल रही थी, रामगोपाल यादव ने चिट्ठी लिखी थी मुलायम सिंह यादव को और कहा था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव होने चाहिए, उन्हें ही कैंडिडेट के तौर पर 2017 में भी सीएम कैंडिडेट बताना चाहिए, जनता के सामने लेकर के आना चाहिए। इसको लेकर के मुलायम सिंह यादव ने यह बात कही कि जो विरोध करता है पार्टी के अंदर में और इस तरह की चिट्ठियां लिखता है उन्हें हटा दिया जाए, और इसके बाद निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अब ये निष्कासन रद्द कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सीधे रुक कर लेते हैं अनामिका का, हमारी संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुकी है हमसे। अनामिका, रामगोपाल यादव का निष्कासन रद्द कर दिया गया है, बड़ी खबर है, क्या फैसला लिया गया है? ये अचानक से निष्कासन रद्द करने का जो फैसला है वो किस तरह से लिया गया, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए किरण, जिस तरह से रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव के पक्ष में बोलते हुए मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखी थी और कहीं ना कहीं उस चिट्ठी में मुलायम सिंह यादव को भी टारगेट किया गया था और यही वजह थी कि रामगोपाल यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है कि जिस तरह से रामगोपाल यादव ने इटावा में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उन्होंने समाजवादी विचारधारा को लेकर के जो उनकी भावनाएं की वो व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि वो कभी भी नेताजी के खिलाफ नहीं है, समाजवादी पार्टी के सैनिक रहे हैं वो शुरुआत से, तो उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का जो दिल है वो अपने भाई के लिए इतनी हल्का जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल जिस तरह से रामगोपाल यादव पार्लियामेंट के भीतर समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, उस वक्त ये सवाल खड़ा हुआ था कि किस हैसियत से रामगोपाल यादव संसद में समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में जब सवाल पूछा गया तो आज एक प्रेस रिलीज के जरिए ये बात साफ हो गई है कि रामगोपाल यादव पहले की तरह ही अपने सभी पदों पर बने रहेंगे, यानी कि रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के जो है संसदीय बोर्ड के सदस्य, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता सदस्य, तमाम जो उनके पद थे उन तमाम पदों पर बने रहेंगे और पार्लियामेंट के भीतर समाजवादी पक्ष ऐसे ही रखते रहेंगे। लेकिन इस बीच ये भी बात हर किसी के जहन में उठ रही होगी कि बहुत उठापटक मची थी, अखिलेश यादव के ने जितनों को यहाँ पर पार्टी से निकाला था, बर्खास्त किया था, उन सबकी वापसी हुई थी, तो अखिलेश यादव का एक कद गिरा था, लेकिन जब पलटा, सारी चीजें पलट गई हैं, तो उसके बाद अखिलेश यादव के ही हाथ में सब कुछ छोड़ दिया गया कि बर्खास्त मंत्रियों को वो ले या ना ले, उनके जिम्मे है सारी चीजें। लेकिन इस बीच में रामगोपाल यादव का भी वापस आ जाना, क्या माने अखिलेश यादव की एक बड़ी जीत है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अखिलेश यादव की अनामिका जुड़े रही हमारे साथ, रामगोपाल यादव कुछ कह रहे हैं वो हम सीधे सुना देते हैं अपने दर्शकों को। दिया गया था, लेकिन हमने हमेशा कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी में का जन्मजात सदस्य हूँ। कल भी आप लोगों ने पूछा कि आप समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में संसद में बोले, राज्यसभा में बोले, तो मैंने कल भी कहा था कि मैं तो जन्मजात नेता हूँ, तो पार्टी में वापसी है, अब नेताजी की कृपा है, नेताजी कभी मेरे खिलाफ नहीं रहे, वो जानते हैं कि मैं पार्टी के लिए काम हमेशा करता रहा और आगे भी करता रहूंगा, और जो जैसा निर्देश पार्टी के नेतृत्व का होगा उससे हटके मैंने जीवन में कभी काम, जब मैसेज जब उन्होंने सब वापसी कर दी है बिना कुछ कहे सुने, तो ये मान के चलिएगा कि पार्टी के निर्देश के हिसाब से ही हम काम करेंगे। मैंने पहले भी पार्टी के निर्देश का कभी उल्लंघन नहीं किया और नेताजी अपने मन से मेरे खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कार्रवाई को वापस ले ली। और एक बार फिर से सीधे रुख हम अनामिका का कर लेते हैं। अनामिका, यहाँ पर रामगोपाल यादव कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी मन से मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं, सीधे तौर पर निशाना किसके ऊपर था, क्या मान करके चले कि शिवपाल यादव को खींचा जा रहा है कि उन्होंने प्रेशराइज किया था और इसके बाद ये फैसला लिया गया था? देखिए आखिरत आपको याद होगा कि जिस तरह से रामगोपाल यादव ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कहीं ना कहीं भले उसमें नाम नहीं लिया गया था लेकिन डायरेक्टली शिवपाल यादव को टारगेट किया गया था। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देखिए कि जिस तरह से उस फैसले के बाद, उस चिट्ठी के बाद रामगोपाल यादव पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, समाजवादी पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। एक बार फिर से जब रामगोपाल यादव की पार्टी में वापसी हुई है तो जो कि स्वर है कुछ ऐसे ही इंडिकेट कर रहे हैं जहाँ पे वो ये कहना चाहते हो कि मुलायम सिंह यादव कभी उनके खिलाफ नहीं रहे, अपनी मन से कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की, यानी कि इशारा साफ है कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का योगदान रहा है उनके निष्कासन को लेकर के। कुल मिलाकर की खबर यही है किरण कि रामगोपाल यादव की पार्टी में फिर से वापसी हो गई है और इनकी वापसी के साथ ही जो विवाद है, जो विरोध है समाजवादी पार्टी के भीतर का, एक बार फिर से वो बाहर आएगा, क्योंकि शिवपाल यादव
की नाराजगी के बाद ही रामगोपाल यादव को निष्कासित किया गया था। और रामगोपाल यादव की वापसी के बाद क्या शिवपाल यादव एक बार फिर से अपने स्वर जो है विरोध की वो तेज करेंगे, क्योंकि रामगोपाल यादव शुरुआत से ही अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं और अब अखिलेश और शिवपाल यादव की खेमा जो अब अलग अलग हो चुका है, उन दोनों के बीच अब कैसे गहरा गहरी दिखाई देगी वो भी अब भविष्य में देखेंगे। नहीं बिल्कुल अनामिका, क्या ये मान करके हम चले कि मरहम का काम रामगोपाल यादव के लिए उस चिट्ठी ने किया है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो अब से कुछ ही दिन पहले उन्होंने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें वो भावुक भी हो गए थे, रो भी रहे थे, और कल राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने सपा का पक्ष रखा, ये दोनों ही चीज जुड़ करके क्या रामगोपाल यादव के लिए एक मरहम का काम किया जिसके बाद उनकी वापसी हुई है? देखिए अब जिस वक्त रामगोपाल यादव को निष्कासित किया गया था उस वक्त भी उनसे बयान लिया गया था, तो उन्होंने सभी यही कहा था कि वो मुलायम सिंह यादव के फैसले का सम्मान करते हैं और वो उनके मजबूत सैनिक की तरह काम करते रहेंगे। हालांकि इसके बाद जो उनके पर आरोप लगाए गए थे कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं या फिर तमाम तरह के जो आरोप लगाए गए थे, अलग अलग दल के नेताओं से मुलाकात की, उन सबको लेकर के रामगोपाल यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां सफाई दी और सफाई देते देते वो भावुक भी हो गए। और कहीं ना कहीं इटावा जो गृह जनपद है समाजवादी पार्टी का, वहां पर रामगोपाल यादव का इस तरह से भावुक होना जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नेताजी के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो क्रिएट करता है। और जिस तरह से कल रामगोपाल यादव ने पार्लियामेंट के भीतर मजबूती से समाजवादी पार्टी का नोटबंदी को लेकर के पक्ष रखा है और विपक्षी दलों के साथ कदम से कदम मिलाया है सरकार को घेरने के लिए, कहीं ना कहीं ये तमाम बातें जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह काम कर गई। और आज चूंकि कल से सवाल उठ रहे थे कि आखिर रामगोपाल यादव पोजीशन क्या है, किस पद की है। अनामिका जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे साथ यहाँ पर मैनेजिंग एडिटर एपीएन के जुड़ चुके हैं विनय राय जी। विनय राय जी, यहाँ पर सीधे तौर पर ये जो निष्कासन पहले हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है, क्या संकेत दे रहा है पार्टी के अंदर में सब कुछ ठीक है मान करके चले? देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस दिन ये कार्रवाई हुई थी उस दिन भी कहा गया था कि मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक ताकत का मार मार करते हैं, चाहे वो विरोधी पार्टियों को एक साथ करने की बात रही हो, इस बार पहली बार उन्होंने घर में कहा। अभी अगला कदम आप देखेंगे कि हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर एक फैसला और हो जाए कि जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव को सुपुर्द कर दी जाए और जिस तरीके से मंत्रिमंडल की सारी जिम्मेदारियां थी अखिलेश यादव को सौंप दी जाए, क्योंकि अगर यही सब करना था तो शायद इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले निलंबित किया जाए, फिर उनको बाहर किया जाए, फिर उनकी वापसी कराई जाए। एक महीने का जो पूरा ड्रामा चला है उसमें मिलाकर देखा जाए, जिसका आकलन शुरू से कर रहा था और हम लोग भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ताकतवर करने की कोशिश की गई है, कि पार्टी में उनकी ताकत ज्यादा है और अगला जो कमान होगा वो अखिलेश यादव के ही हाथ में रहने वाला है, मुलायम सिंह की गैर मौजूदगी जी ये साफ कर दिया मुलायम सिंह यादव ने कम से कम आज के फैसले। तो विनय जी यहाँ पर ये मान करके चले कि सब कुछ अब अखिलेश यादव के हिसाब से ही चल रहा है, मुलायम सिंह यादव भी अब ये मान के चल रहे हैं कि अगला कुछ भी होगा सपा के अंदर तो अखिलेश यादव ही संभालेंगे, यानी कि कमान अब अखिलेश यादव की तरफ से हो गई है, और यहाँ पर क्या शिवपाल यादव का पद भी गिर गया है ये भी मान करके चले विनय जी? नहीं, देखिए हकीकत यह है कि असली ताकत मुलायम सिंह के हाथ में है, ये आकलन हर एक सामान्य आदमी भी कर सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाला, कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को अगर अखिलेश यादव बर्खास्त करते हैं तो उनको 36 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल वापस करना पड़ता है, क्योंकि उसमें सीधे मुलायम सिंह यादव का दबाव है, उनके घर के अंदर से दबाव है। दूसरी तरफ शिवपाल यादव को अगर बाहर बर्खास्त किया जाता है तो उनकी वापसी नहीं करने पर आमाद हो जाते हैं अखिलेश यादव, और वो मुलायम सिंह की भी बात नहीं मानते, ये असंभव नहीं है। इसका मतलब कहीं साफ होता है कि मुलायम सिंह यादव इनडायरेक्टली अपने बेटे अखिलेश यादव को ताकत देना चाहते थे, या वो सुन नहीं रहा, लेकिन राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि सारी जो चाल है खुद मुलायम सिंह यादव ने कही है, उस चाल के मोहरे के तौर पर सभी लोगों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब देखना यह होगा कि जो अगला कदम है वो किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि अभी भी प्रदेश प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो शिवपाल सिंह यादव के पास है, और बार बार रामगोपाल यादव इस बात को दोहराते रहे हैं कि टिकट बांटने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी जाए, तो टिकट बांटने की जिम्मेदारी अगर अखिलेश यादव को दी जाती है तो सबसे पहले संगठन में फेरबदल करना होगा, जिम्मेदारी दोबारा अखिलेश यादव को दी जाए, और ऐसे में सिर्फ खाली हाथ शिवपाल रह जाए ये मुमकिन नहीं है, तो पुनः उनको मंत्रिमंडल में स्थान देकर उसी को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। जी विनय जी, रामगोपाल यादव ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो भावुक भी हो गए थे, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव का नाम का ऐलान करें कि वो सीएम कैंडिडेट के तौर पर 2017 के वक्त में रहेंगे, क्या ये ऐलान भी हो सकता है? देखिए ये बहुत ही छोटी बात है, कई बार मुलायम सिंह यादव इस बात को कह चुके हैं कि अखिलेश ही सीएम होंगे, कई बार शिवपाल सिंह यादव कह चुके हैं, ये बेसिकली अगर कहा जाए तो राजनीतिक ड्रामा है, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर आज इसका ऐलान भी कर दिया जाए तो चुने हुए विधायक ही विधानमंडल की बैठक के बाद इस बात का फैसला लेंगे, और इस बात को खुद मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव बार बार कह चुके हैं कि अभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं,
और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, तो उसका सबसे दावा तगड़ा है। लेकिन औपचारिकता है, अगर आज ऐलान भी कर दिया जाए तब भी विधानसभा की बैठक बैठेगी, जब चुने हुए विधायक सामने आएंगे उसके बीच में औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी कि विधानमंडल का नेता चुना गया। इसलिए सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ इतना था कि पार्टी के अंदर ताकत सिग्नल है, कमांड देनी है मुलायम सिंह की गौर गैर मौजूदगी में वो किसी दी जाए। तो कम से कम इन सारे समायदों से एक बात साफ हो जाता है, जब मुलायम सिंह यादव ने पूरी अपनी राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण अखिलेश यादव के हाथ में कर दिया है। जी।